सच बताओ महापारा, ये किसका घर है? हमारा घर है। और हमारे साथ यहाँ और कौन? हमारा घर है तो कोई और क्यों होगा? ये तो मैं सोच रही थी, इतना बड़ा घर, इसका किराया भी बहुत होगा। कोई किराया नहीं, घर मुझे ऑफिस की तरफ से मिला। क्यों, किराया क्यों नहीं है? मेरी पोस्ट वालों को मिलता है, कल ड्राइवर भी आ जाएगा और गाड़ी भी, और फिर वो हमारे पास ही रहेगी। तुमने इम्तिहान पास कर लिया? मैंने पोजीशन लिया दादी, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर की और मैंने एक्सेप्ट कर ली। अब ना हम किसी के नौकर हैं और ना कोई हमें घर से निकाले। आज रहमत जिंदा होता तो कितना खुश होता। ये घर, गाड़ी, कितना बड़ा ख्वाब था उसका। सब चाहता था कि तुम्हारे पास हो। कैसी हसरत थी उसे। वो जिंदा होता तो ये सब कुछ ना होता दादी। क्यों ना होता? क्योंकि मैं जिंदगी में उन्हें सुकून देने के लिए पैदा ही नहीं हुई थी। ऐसी बातें नहीं करते महापारा, बाप की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। जिस बाप को मरने पर मजबूर कर दिया, उसकी रूह को क्या तकलीफ पहुंचेगी? भूल जाओ बेटी, सब भूल जाओ। दादी, पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है? क्या? जो जिल्लत अब्बा को खा गई, मेरी रग रग में उतर गई। मेरी तरफ देखो, मेरा कमरा तो दिखा दो मुझे।